हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा न्यूज की सारी टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, होली पर क्या महासंयोग बना है, इस पर हम आज खास चर्चा करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो आपको बताते हैं कि क्या है यह महासंयोग, होली का विशेष महत्व क्यों है इस बार। इसके लिए दो खास मेहमान हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मशहूर टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी यहाँ पर मौजूद हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत करती हूँ, दिली स्वागत करती हूँ मैं आपका। मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करती हूँ आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी आपका भी। गुरु जी, बहुत स्वागत है यहाँ पर आपका। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और हमारे इस परिवार की तरफ से सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ क्यों ना हम सबसे पहले बता दें जिसके लिए दर्शक बैठे हुए हैं टीवी के सामने कि क्या है यह महासंयोग। गुरु जी देखिए, सबसे पहले तो अब की बार होली का जो महासंयोग बन रहा है, यह 499 वर्ष पूर्व ऐसा संयोग बना था कि जब मकर राशि में शनि और धनु में गुरु, ऐसा संयोग अब की बार बन रहा है जो भद्रा से भी निशीत है। अर्थात हर बार भद्रा का योग बनता था और अब की बार भद्रा चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा है और इस गोचर में अब की बार जो भद्रा है वो पाताल लोक में है। बिना भद्रा का अब की बार प्रदोष काल में होलिका दहन का योग प्रबल बना हुआ है और इस योग में धूप योग एवं सर्वात सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग, ये तीन मार्च 1521 में ऐसा संयोग बना था जो अब की बार 28 तारीख अर्थात 28 मार्च 2021 को महासंयोग। और यहां पर हस्त नक्षत्र है अब की बार और इस हस्त नक्षत्र में ऐसा योग बना है जो संसार के समस्त जीवात्मा के लिए, संसार जीव जंतु के लिए और जनमानस के लिए बड़ा ही शुभ का संकेत लेकर के आ रहा है और इसके लिए अब की बार प्रसन्नता का भी बात है। परंतु यहां पर आप हम ये देखेंगे कि राहु अर्थात वृषभ राशि में मंगल का भी गोचर है, अर्थात राहु के कारण, मंगल के कारण कहीं ना कहीं बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ता जाएगा। एक तरफ कुछ राशि वालों को धन का लाभ मिलने का योग बनता है और कुछ के लिए बड़ा ही संकट का योग भी बनता है अब की बार। इसलिए होली पर हम विशेष रूप से महासंयोग के तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किन किन चीजों का हमें ध्यान भी रखना है और इन सारी चीजों के लिए हम अपने मिश्रा जी के द्वारा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम ये तमाम बातें आपको बताने वाले हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उससे पहले रंजना जी, कोई खास संदेश इस होली की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। होली के दिन पुरानी बातों को भूलकर हमको आगे बढ़ना चाहिए और मेन संदेश यही है कि हमको जितनी भी पुरानी बातें हैं उनका पछतावा नहीं करना चाहिए, हमको भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और आज के दिन इसको भरपूर जीना चाहिए और जितने भी हमारे रंग हैं उनको अच्छे से हमको यूज करना चाहिए क्योंकि हर रंग का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है और इन रंगों के बारे में हम आपको धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। सबसे पहले हम एक नंबर वालों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है और हम ये देखते हैं कि कितना ज्यादा इनके लिए लाभप्रद रहेगा। उसके लिए हम इनको यही बताना चाहते हैं कि आज के दिन इनको जितना भी कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यापार में कोई प्लानिंग करना चाहते हैं या अपने घर में कोई नई चीज लाना चाहते हैं, जिस प्रकार का भी ये कार्य करना चाहते हैं, तो आज का दिन नंबर एक वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। एक नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, तो खुलकर जिए आप और कोरोना के नियमों का ध्यान रखते हुए होली को खेलिए। रंगों को जीवन में जरूर शामिल करें क्योंकि ये रंग ही है जो खुशियों से सराबोर करती हैं। आपको गलत कह रही हूं रंजना जी? बिल्कुल ठीक है, हर रंग का एक महत्व होता है और वो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जैसे नंबर एक वालों के लिए बहुत जरूरी है कि आज का दिन ये अगर लाल कपड़े के अंदर एक चांदी का टुकड़ा लेकर अपनी तिजोरी में रखेंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और जब ये होली खेलने जाएं तो जरूर केसर का तिलक लगाकर जाएं। आज क्योंकि कोरोना का टाइम है तो नहीं जाना चाहिए, मगर घर में जरूर केसर का तिलक लगाएं और अपने घर परिवार को इनको लाल रंग से होली खेलनी चाहिए। क्यों ना दो अंक वालों के लिए भी रंजना जी हम कार्ड्स उठा लें और उन्हें भी बताएं कि आज का दिन कितना खूबसूरत होने वाला है उनके लिए, क्यों खास होने वाला है और कैसे खास बनेगा। दो नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव रहेगा, मगर हर तरफ से फिर भी हम देखते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है।
घर परिवार में इनके जितने भी बहन भाइयों हैं उनके साथ सबके साथ इनका बहुत ही अच्छा आज के दिन इनका मेल मिलाप भी रहेगा और बहुत अच्छे से इनका दिन इनका व्यतीत होने वाला है। और दो नंबर वाले हैं, इनको आज का दिन इनको हल्के रंग पहनने चाहिए, सफेद या हल्का नीला रंग पहनना चाहिए। हल्का नीला रंग जो होता है वो रिलैक्सिंग रंग होता है और इसको पहनने से आदमी के मन में बहुत ज्यादा शांति रहती है। और इनको जब ये होली खेलें तो जरूर इनको हल्के गुलाबी रंग से या इनको हल्के नीले रंग से अगर होली खेलेंगे तो बहुत ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं सफेद कपड़े के अंदर अगर ये भी थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा या थोड़े चावल लेकर अपनी तिजोरी में बांधकर रखेंगे तो उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। चलिए गुरुजी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इससे पहले कि हम बताएं कि किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जानी चाहिए आज के दिन, होलिका दहन के दिन या फिर होली वाले दिन कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि वो जिन रंगों के साथ हम खेल रहे हैं वैसे ही रंगीन और खुशियां भरी हमें हमारी जिंदगी को बना दें, जिंदगी खुशनुमा हो जाए। उससे पहले क्यों ना वो कथा हो जाए, दर्शकों को भी पहुंच जानना चाहिए इस कथा के बारे में जिसके आधार पर हम होली मनाते हैं। देखिए, होली का जो विशेष महत्व है अर्थात भगवान पर भक्त की अटूट विश्वास जी, अर्थात बुराइयों का समन्वय, अर्थात बुराइयों पर अच्छाई की जीत होना। आज जो भक्त है वो भगवान के प्रति कितना समर्पण भाव रखता है और उस समर्पण भाव की निष्ठा को भगवान कैसे साकार करते हैं, ऐसे होली का जो महत्व है कि राजा हिरण्यकश्यप जो थे उनके पुत्र प्रहलाद जी थे और हिरण्यकश्यप का एक ही संकल्प था कि पूजा पाठ में अत्यधिक विश्वास नहीं करते थे, परंतु प्रहलाद जी जो थे वह भगवान के परम भक्त थे, उनको हर कण में ये दिखाई देता था कि चारों दिशाओं में नारायण ही विराजमान है और ऐसे नारायण बार बार अपने पिता को कहते थे कि आप जिधर भी देखेंगे प्रभु वहां पर दिखाई देंगे। परंतु हिरण्यकश्यप को लगता था कि इतना धन वैभव सब कुछ है मेरे पास, क्या उसके बाद भी इसको नारायण ही दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, संसार के अंतःकरण में कहीं भी आप जाइए परंतु आपको भगवान के प्रति इतना आस्था रखना होगा कि वह आस्था आपका प्रबल आनंद का होगा, क्योंकि नकारात्मक चीजों का आज के दिन समन्वय होता है और आज के दिन उनका नरसंहार होता है और सत्कर्म के लिए हम आप आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर प्रहलाद जी की जो बुआ जी थी, प्रहलाद जी के इतनी आराधना से हिरण्यकश्यप तंग आ चुके थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसे करें कि प्रहलाद का ही समापन कर दें। और उनकी बहन को एक आशीर्वाद भी था कि यदि अग्नि में उस चादर को धारण करके बैठती हैं तो सामने उनके आजू बाजू सब नष्ट हो जाएगा परंतु होलिका जी को कुछ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने बहन से कहा कि बहन, इस प्रहलाद ने इतना ज्यादा भगवान को समर्पण कर दिया है कि इसका ही अंत होना चाहिए। उन्होंने समिधा एकत्रित किया और कहा कि जो आपके पास चादर है उस चादर के अंदर आप और प्रहलाद को लेकर के अग्नि में आप बैठ जाएं। परंतु प्रहलाद को इतना विश्वास था कि हम जहां पर भी होंगे भगवान हमारे साथ होंगे और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जब होलिका जी उनको लेकर के बैठते हैं, अब बैठने के बाद क्या ऐसी ईश्वर की कृपा होती है कि होलिका जी स्वयं नकारात्मक दृष्टि से जल जाती हैं और प्रहलाद परम भक्त जो हमारे भगवान विष्णु के हैं वह साक्षात पुनर्जीवित होते हैं और अंतःकरण में स्वयं ऐसे बाहर निकल आते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगे कि इसकी जो आस्था है, जो विश्वास है, वह एकदम अडिग है, अर्थात ये कहा जाए कि बुराइयों पर अच्छाइयां, आपकी जो सकारात्मक सोच है, जो सकारात्मक विश्वास है, जो आपकी निष्ठा है, उसका विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए होलिका के दिन आपकी जो आस्था है वह विजयी भव होती है और उस विजय को प्राप्त करके अपने भक्ति की लाज रखने के लिए भगवान को किसी न किसी विधि में आने पड़ता है, किसी विधा से आते हैं और अपने भक्ति की रक्षा करते हैं। ऐसे में प्रहलाद ने अपने भगवान को यह साक्षात कर दिया कि पिताश्री, आप संसार में कुछ भी कीजिए परंतु भगवान जो है वो सत्य है। और उन्होंने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। और आपको बताएं कि हिरण्यकश्यप को कहा गया था कि ना दिन होगा ना रात होगा, ना सुबह होगा ना शाम होगा, ना अंदर होंगे ना बाहर होंगे। ऐसी अवस्था में अब हिरण्यकश्यप उस राक्षस का कैसे वध हो, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और खड़ा अखंभ उन्होंने कहा कि कहां है भगवान। प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, भगवान चारों दिशाओं में हैं और उन चारों दिशाओं में देखते हैं क्या कि भगवान नरसिंह विष्णु नरसिंह का रूप धारण करते हैं और प्रहलाद को ना जमीन पर ना आकाश पर और कहां पर लिटाते हैं, अपने जंघों पर, और जंघों से अपने नाखूनों से उन्होंने
उनका नरसंहार कर दिया और अपने भक्त का राज तिलक कर दिया। तो उस राज तिलक के उसी दिन से यह संकल्प हो गया कि इस भारत भूमि अर्थात विश्व में होलिका को भगवान के प्रति समर्पण भाव अर्थात एक आनंद का पल होकर के हम सब लोग बड़े विधि और विधान से मनाते हैं, खुशी होकर के मनाते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होलिका के दिन यदि धन की अगर मैं चर्चा करूं, कई बार संसार है, संसार के अंतःकरण में लोग कर्जों से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस कर्जों में अगर नरसिंह स्त्रोत का होली के दिन यदि आप विधि और विधान से पूजन करते हैं और पूजा करने के बाद आपको धन का लाभ होता है। दूसरी बात यह आता है कि हमारी माताएं होलिका की पूजा करती हैं और अब की बार जो पूजा का समय भी रहा आज के दिन से 12:30 बजे के बाद है और बड़े विधान से माताएं कहते हैं होली या दिवाली होली के दिन हमारे पूर्वजों का होता है और कहते हैं कि पितर ब्रह्मा पितर विष्णु पितर देवो महेश्वरः पितर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै ते पित्राय नमः। हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। हमारी माताएं सौभाग्यवती अपना अलंकृत होकर के श्रृंगार करके और रोली कलावा अक्षत हल्दी की गांठ कच्चा सूता और गेहूं की बाल चने की बाल और विधि विधान से गाय के गोबर, आपने देखा होगा कि बच्चों को माला धारण कराया जाता है, गाय के गोबर की मालाएं लेके जाती हैं पितृ का संतान का सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए। होलिका माँ से प्रार्थना करती हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में धन का लाभ हो और हमारा जो सौभाग्य है भगवान की कृपा से इतना आनंदमय रहे कि हमारे जीवन में हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार से होलिका जी का पूजन करती हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो जौ का आटा होता है, घर में यदि बार बार आपके विवाद हो रहा है अब उस विवाद से आप नहीं बच पा रहे हैं तो होलिका में जौ का आटा आप अवश्य डालें और सात परिक्रमा लें और जल से और कच्चे सूता से उनका परिक्रमा करना चाहिए और कच्चा सूता गांठ नहीं बांधना चाहिए। ध्यान यहां देना है कि कुछ लोग गांठ बांध देते हैं तो गांठ नहीं बांधना चाहिए, गांठ को ऐसे लपेट देना चाहिए। इस अवस्था में यदि ऐसे विधि और विधान से आप करते हैं और पूजा करते समय क्रोध ना करें क्योंकि यदि आपने क्रोध कर दिया कि होलिका माता का पूजा किया हुआ आपका नकारात्मक की दृष्टि हो जाती है। इसलिए बड़े प्रसन्न मुद्रा में अपने परिवार के साथ यदि होलिका जी की पूजन करते हैं और भगवान नारायण की पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं और केसर का तिलक लगाते हैं, और यहां पर तीन चीजों का विशेष ध्यान देना है, पान का पत्ता सुपारी और बतासा यदि आप डालते हैं तो आपको धन का लाभ होगा। यदि घर में आपके असाध्य बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं तो आप गोमती चक्र अर्थात गोमती नदी से प्राप्त होने वाला है जो ऊपर हल्का नीला काला वर्ण का होता है, अंदर चक्र सुदर्शन जैसी स्थिति में बना रहता है। तो ऐसे में यदि कोई घर में असाध्य रोगों से बीमार है तो 7 बार वार के होली में भी डाल सकते हैं या महादेव जी को आप अर्पण कर सकते हैं। और सरसों, काली सरसों, आप काली सरसों लें अपने घर में जैसे डालते हैं या घुमा करके परिवार का हाथ लगा के होली में डाल देते हैं तो यह मान लेना कि आपके घर से नकारात्मक चीजों का समन्वय हो जाता है। नारियल लेना चाहिए, आपके घर में कोई अगर असाध्य बीमारी है तो उनके ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज वारें और बतासे के साथ ये लड्डू के साथ हमें होलिका जी में भेंट करना चाहिए या अपने परिवार के सभी का हाथ लगवाएं या सभी को ऊपर से वार करके नारियल यदि आप चढ़ाते हैं तो आप कर्जों से मुक्त हो जाते हैं, घर में धन रुकना प्रारंभ हो जाता है। और विधि विधान से काली हल्दी का प्रयोग किया जाता है और काली हल्दी यदि आप उस दिन लाल कपड़े में गांठ बांध के जहां आपका दराज होता है या जहां स्थिति धन आप रखते हैं यदि वहां रखना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके घर में धन की बरकत होना प्रारंभ हो जाता है। और कई बार हमारे ज्येष्ठ संतान या अनुज संतान, कनिष्ठ संतान अनेकों प्रकार से कारोबार में बार बार परेशान होते हैं, यदि ऐसी अवस्था में परेशान है तो उनको होलिका दहन के समय जाना चाहिए और विधि पूर्वक नरसिंह जी को प्रणाम करके 11, 7, 5 परिक्रमा करना चाहिए। अब परिक्रमा करने के बाद अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, दाहिने औंठा, यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको धन का लाभ, सुख समृद्धि का लाभ और आनंद का लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसलिए अब की बार होली बड़े ही आनंद पूर्वक है क्योंकि होली में सर्वाद सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धूप्र योग और ऐसे में अंतःकरण से हमें लाभ का योग बन रहा है। परंतु मैं एक चीज और आपको बताना ही चाहूंगा कि अब की बार कुछ राशि वालों के लिए बेहद खास रहेगा। हाँ। उन बेहद खास में क्या है, जैसे धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, ये कुछ राशियां हैं जो अब की बार होली पर इनके लिए धन का पिटारा खुलने का योग बना हुआ है। अर्थात
अगर इनको वंश नहीं है तो वंश की प्राप्ति होगी, धन कहे तो धन प्राप्त होगा, यदि मकान जमीन जायदाद से यदि कहीं कुछ ऐसा योग बनता है तो आप इन राशि वालों के लिए बेहद खास अब की बार रहेगा। तो होली अब की बार आप लोग बेहद खास मनाएंगे, परंतु यहां पर एक चीज ये देखना है कि वैश्विक महामारी, इस वैश्विक महामारी का भी ध्यान रखना है और उस ध्यान रखते हुए अपना डिस्टेंस बना के रखें, सरकार के गाइडलाइन का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये त्यौहार प्रेम का है, अर्थात अनेकों प्रकार की प्रतिद्वंद्वता को समाप्त करके गले से गले मिलने का योग बना हुआ है। सर्वाद सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धूम्र योग जब बनता है तो 499 वर्ष पूर्ण जब आप पूर्व जाते हैं तो ऐसा संयोग बना था जो मकर राशि में शनि और धनु में शनि, यहां गुरु बैठे हैं अपने राशियों में और अपने राशि का ऐसा संयोग बन रहा है मंगल और राहु का, और यहां पर देख रहे हैं शुक्र बुध का भी कम्युनिकेशन है, सूर्य बुध का कम्युनिकेशन है, बड़ा ही बेहद खास है। अब की बार होली का बड़ा आनंद का पल है, परंतु इस आनंद के पल में आप अपने पूर्वजों को प्रणाम करना ना भूलें, नहीं तो हर तरह से जो गठरी आपको मिलने का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं गठरी इधर से उधर हो सकती है, तो प्रणाम करना आवश्यक है, मां को प्रणाम करना और हर तरह से। और दूसरी बात मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं कि होलिका वाले के दिन, अब की बार होली का जो जलने का समय है, कहते हैं कि फाल्गुन मास के जब पूर्णिमा हो और भद्रा आ जाए तो कहीं ना कहीं देश के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो अब की बार जो चंद्रमा गोचर करता है कन्या राशि में, कन्या राशि में भद्रा का जैसे 12 महीने होते हैं ऐसे इनके निवास होते हैं, 4 महीने ऊपर, 4 महीने पाताल, 4 महीने मृत लोक, तो अब की बार चंद्रमा गोचर में बिना भद्रा का होलिका दहन होगा और होलिका दहन प्रदोष काल में होता है, और कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि प्रदोष काल में ही अब की बार होलिका दहन होता है, और होली का अब की बार जो समय है 6:33 से प्रारंभ होता है 8:56, परंतु कुछ देश काल स्थितियों को देख करके 9:12 तक हो गया है और कहीं कहीं पर 6:37, ये देश काल परिस्थिति को गणना के अनुसार लैटिट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग अगर समय निकाला जाता है तो आपको 9:15 के अंतःकरण होलिका मां को प्रणाम भी करना है और नमस्कार भी करना है और बड़ों को प्रणाम करना है। घर के अंदर हमारे बुजुर्गों की फोटो लगी होती है और उन बुजुर्गों के फोटो को करना क्या है, आप गंगा जल से सुंदर साफ कपड़ा लें, उस प्रतिमा को पोछें और पोछने के बाद हल्दी का तिलक या कुमकुम का तिलक, कुमकुम अगर है रक्तमण है, क्योंकि पितृ रक्तमण से दूर भागते हैं, तो ऐसे में क्या करें, अष्टगंध का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं और उनको प्रणाम करना चाहिए और ये प्रार्थना करना चाहिए कि आप अपनी कृपा हमारे संपूर्ण परिवार पर बना के रखना चाहिए। और होली के दिन विधिवत रूप से अपने पूर्वजों के लिए खीर बनाना चाहिए और खीर बना करके खीर का दान करना चाहिए आचार्य जी को, पुरोहित जी को या विप्र देवता को जिमाना चाहिए। होलिका पर अपने पूर्वजों के निमित्त वस्त्र का भी दान करना चाहिए, यथाविधि मिष्ठान का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं और ब्राह्मण को बुला करके यदि अपने पितरों के निमित्त आप करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा एक फैक्ट्री चलते चलते रुक जाती है, यह काम करते करते रुक जाता है, क्यों रुकता है, अर्थात हमारे पूर्वज कुंडली में कहा गया है कि आपका 6, 8, 12 कि यदि कहीं दृष्टि खराब होती है तो यह मान लेना चाहिए कि आप अपने पूर्वजों को प्रणाम करें। और होली दिवाली ऐसी स्थिति होती है जो हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना होता है, तो अब की बार बेहद खास तिथि है, बेहद खास समय है और ऐसे समय में हम आप अगर आप ऐसे प्रणाम करेंगे तो ये मान लेना दोस्तों हम सब लोग विजय की तरफ बढ़ेंगे और हर तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अब की बार बेहद खास तिथि रहेगी। और दूसरी बात कि भय और कर्जा से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी जेब भरा रहना चाहता है कि मेरी जेब भरी रहे, मेरा दराज भरा रहे, धन सबको चाहिए, आप क्या करेंगे, एक लाल कपड़ा बिछाइए, नीचे चौकी साफ लें, देसी घी, अगर काली गाय का घी मिल जाए तो मिट्टी के दीपक में घी जलाएं, लाल आसन पर पूर्व या उत्तर में मुंह करके नरसिंह स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके घर में ऋण चाहे कितना भी क्यों ना हो आपको निजात मिल जाएगा। और होलिका की जब पूजा करें तो पूरब या उत्तर में मुंह करके यदि आप पूजा करते हैं तो ये समझ लेना कि आपके घर में बरकत ही बरकत होने का योग बनता है। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा था और उपाय बताते रहिए, आजकल मुश्किलें इतनी हैं कि उन मुश्किलों से पार पाने के लिए हर कोई उपाय की तरफ, समाधान की तरफ दौड़ रहा है और यही वो खास वजह है कि ये खास
पेशकश, ये खास प्रस्तुति लेकर हम हाजिर हो गए आपके आगे। दो अंक तक का हम बता चुके हैं रंजना राणा जी के माध्यम से, दो तीन और अंक हम बता रहे हैं, बंधे रहिए। मैं बारी बारी से इसलिए जा रही हूं और रोक दे रही हूं बीच में रंजना जी को भी या गुरु जी को भी कि आप बंधे रहिए, यहां से कुछ समाधान लेकर जाइए और होली के रंगों को खुशनुमा रंगों के रूप में अपने व्यवहार अपने जीवन में आप ढाल पाए, यह हमारी कोशिश है। तीन अंक वालों के लिए क्या कहेंगे रंजना जी? तीन अंक की उत्सुकता मुझे भी रहती है क्योंकि मेरा भी तीन ही अंक है। तीन अंक वालों के लिए हम देखते हैं होली का त्यौहार बहुत ही अच्छा रहने वाला है और हम देखते हैं इनको अपने घर परिवार में भी बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट मिलने वाला है और इनके कार्य क्षेत्र में भी इनको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और ये अपने घर परिवार में बहुत ही अच्छे से होली मनाएंगे और ये भी हम देखते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में इनको जरूर कहीं ना कहीं सपोर्ट के साथ साथ प्रमोशन मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं और हम ये देखते हैं कि इनके जो भी बाधाएं इनके जीवन में आ रही हैं वो आज के दिन बहुत ही इनके लिए बढ़िया रहेगा अगर ये अपनी कोई भी जो कार्य काफी देर से रुका हुआ है उसको इनको जरूर कर लेना चाहिए, उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तीन अंक वालों के लिए जब होली खेलने जाएं तो इनको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और इनके इसके साथ साथ इनको जब जाएं इनको हल्दी का तिलक लगा के जाना चाहिए और बहुत जरूरी है कि पीले कपड़े के अंदर चने की दाल लेकर उसको अपनी तिजोरी में रखें, इससे ये देखेंगे कि इनको बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी में बरकत आएगी और इनकी जिंदगी में सुख समृद्धि जरूर आने लग जाएगी। इसे तीन अंक वालों के लिए होली का त्यौहार बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। लगे हाथ हम चार अंक वालों को भी बता रहे हैं कि कितना शुभ रहेगा ये त्योहार आप सबों के लिए, अपनी जिंदगी में तो खुशियां बटोरेंगे ही लेकिन दूसरों की जिंदगी में कैसे खुशियां बिखेरेंगे ये भी सुने आप। चार अंक वालों के लिए हम देखते हैं काफी दिनों से इनके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि इनको कैसे क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर भी बहुत ज्यादा ये परेशान दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं जिस करके ये बहुत ही ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो चार अंक वालों के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही तो बहुत जरूरी है कि होली के दिन इनको पान के पत्ते के ऊपर इनको सुपारी और हल्दी की गांठ जाकर मंदिर में जरूर शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए और ये प्रक्रिया इनको दूसरे दिन भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ लाल कपड़े के अंदर अगर ये पांच गोमती के चक्र और पांच हल्दी की गांठ ले जाकर कृष्ण जी के मंदिर में जाके पूजा करेंगे फिर घर आकर होलिका की सात परिक्रमा करके उसमें उसको डाल देंगे, उससे ये देखेंगे कि जितनी भी बाधाएं आ रही हैं इनके विवाह को लेकर ये बहुत जल्दी इनकी खत्म हो जाएंगी और इनको अपने संतान के लिए बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स इनके हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे इनको प्रपोजल्स भी मिलने लग जाएंगे। इसके साथ साथ चार अंक वालों के लिए हम देखते हैं कि इनको नीले रंग से होली खेलनी चाहिए और इनको जब होली खेलने जाएं इनको सफेद और हल्के नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि घर से जब ये निकलें इनको एक छोटी इलायची खा के निकलना चाहिए ताकि इनका होली का त्यौहार बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छा रहे। चलिए लगे पांच अंक वालों के लिए भी हम बता रहे हैं, पांच अंक वाले ध्यान से सुने, ये जो चीजें बताई जा रही हैं इसे नोट कर लीजिए आप, अगर आप जल्दी भूल जाते हैं या व्यस्त हैं याद नहीं रख सकते तो इन्हें नोट कीजिए, गुरु जी जो कह रहे हैं उसे भी आप लिख लीजिए, जो रंजना जी कह रही हैं उसे भी आप जरूर लिखें। पांच अंक वालों के लिए भी हम देखते हैं इनका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है और हम देखते हैं अपने घर परिवार में अपने भाई बहनों के साथ अपने मित्रों के साथ ये बहुत ही अच्छा अपना समय व्यतीत करने वाले हैं और हम ये देखते हैं कि कई दिनों से इनकी जो थोड़ा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है वो भी इनकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और साथ साथ आज क्योंकि होली का दहन का दिन भी है तो आज अगर ये जौ की रोटी बनाएंगे उसके अंदर काला तिल और थोड़ा तिल का तेल डालकर वो रोटी बनाकर अपने ऊपर से पांच बारी उसार के उसको अगर होली का दहन में डालेंगे तो इनकी जो स्वास्थ्य को लेकर जो इतनी लंबी इनकी बीमारी चल रही है वो इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इनको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हरे कपड़े के अंदर हरी मूंग की दाल लेकर इनको अपनी तिजोरी में बांधकर रख लेनी चाहिए, इससे इनके बहुत ही ज्यादा पैसों में वृद्धि होगी और साथ साथ घर से निकलने से पहले अगर हरे रंग से ये होली खेलेंगे और हरे और सफेद रंग पहनकर अगर ये होली खेलेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। चलिए गुरु जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, कन्या राशि में चंद्रमा ये सभी राशि के जातकों के लिए उत्तम अवसर है। देखिए कन्या राशि में चंद्रमा, चंद्रमा है मन की गति, चंद्रमा है माँ, कहते हैं माँ की यदि आप सेवा करेंगे तो आपको संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। कन्या का स्वामी है बुध, बुध कहा जाता नपुंसक, बुध अर्थात आत्मबल, माँ सदैव
अपने पुत्र को, अपने वंश को, अपनी संतान को क्या देता है? आत्मबल देता है, आशीर्वाद देता है। भगवान राम ने भी मां के आशीर्वाद से ही सब कुछ जीता था। बिल्कुल। और कन्या राशि में अब की बार जो गोचर कर रहा है चंद्रमा, तो ये सभी के लिए लाभ का, शुभ का संकेत बन रहा है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का है, तो ये सभी 12 राशियों के लिए और 28 नक्षत्र एक अभिजीत नक्षत्र है, संपूर्ण नक्षत्र एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए शुभता का संकेत है। इसलिए यहां पर इस सभी के लिए लाभ का योग बना रहा है। तो कन्या राशि में जो गोचर चंद्रमा कर रहा है, ये सभी के लिए लाभ का संयोग बन रहा है। और इस संयोग में मैं आपको एक और बात ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि होली में क्या हमें डालना चाहिए या क्या नहीं डालना चाहिए, क्या किसी चीज को डालने से हमें लाभ होगा, किसी चीज को डालने से कहीं ना कहीं हमारे वंश पर या हमारे परिवार पर उसकी नेगेटिविटी भी तो नहीं आ रही है। एक बात ये आती है कि साबुत धनिया, साबुत धनिया गणेश जी के उपासना में आता है। साबुत धनिया यदि आप परिवार के कलेश से परेशान है या धन से परेशान है, तो आप 250 ग्राम साबुत धनिया लें, उस साबुत धनिया का परिवार में हाथ लगवाइए। हाथ लगवा करके ये अपने परिवार में आप घुमा लीजिए और घुमाने के बाद होलिका दहन के पास जाएं, पूरब यात्रा में मुंह करके, और इस प्रकार से आपको थ्रो नहीं करना है, कैसे करना, निवेदन करना, भेंट करना है, और उस धनिया को निवेदन करके इस प्रकार से यदि आप चढ़ाते हैं, तो चढ़ाने के बाद ये मान लीजिए कि आपके घर में धन की बरकत होना प्रारंभ हो जाएगा। और धन यदि आपका रुका हुआ है, किसी को आपने धन दे दिया, धन वापिस नहीं आ रहा है, उस अवस्था में 3 महीने के अंतःकरण में आपका धन स्वयं वापिस आ जाएगा और आप हर तरह से अंतःकरण में लाभान्वित होंगे। या थोड़ा सा धनिया उसमें से ले लें, लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के कोने पे या वेस्ट और नॉर्थ के कोने पे यदि आप टांग देते हैं, यदि आप कहीं रख देते हैं, तो आपके घर में इससे भी लाभ का योग बनेगा। दूसरी स्थिति है कि यदि आप गोमती चक्र 11 ले लें, 7 ले लें, 5 ले लें, विधि पूर्वक से यदि धन के लिए परेशान है या वंश के लिए परेशान है या किसी असाध्य रोग से परेशान है, तो उस पर भगवान शिव का आराधना, शिवाष्टक, रुद्राष्टक या शिव चालीसा पढ़ करके, भगवान को प्रणाम करके, और आप होलिका के पास जाएं और नारियल के साथ उसको होलिका में यदि आप डाल देते हैं या रोगी के ऊपर 7 बार वार के होलिका में डाल देते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके घर में हर तरह से प्रसन्नता स्वयं आना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे जो उपाय करते हैं वो बड़ा ही बेहद खास होता है। जो आप उपला लेके जाते हैं, उपला क्या है? लक्ष्मी। और उपला क्या है? उपले से आपके घर में धन की बरकत होती है, वंश की बरकत होती है। कई बार हमें संतान होता है, पुत्रियां ही पुत्रियां होती हैं, पुत्र नहीं हो पाता है, तो ऐसे में यदि आप, यहां पर दो चीज ध्यान देना, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ से आप होली में उपले के गाय के उपला यदि आप कंडा लेके जाते हैं और प्रेम पूर्वक यदि आप चढ़ाते हैं, होलिका मैया में भेंट करते हैं, तो आप मानिए कि आपके घर में प्रसन्नता का समय शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएगा। काली हल्दी यदि होलिका के दिन विधि पूर्वक आप पूजन करके अपने दराज में रखते हैं, अपने गलक में रखते हैं या अपने परिवार की स्थितियों में रखते हैं, या साबुत हल्दी लेकर के पीली हल्दी लें और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र उच्चारण करके, महामृत्युंजय उच्चारण करके या लक्ष्मी का मंत्र उच्चारण करके यदि होलिका में भी आप प्रदान भेंट करते हैं, तो आपके घर में हर तरह से लाभ की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। कई बार कुछ लोग कंट्रेक्शन करते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते हैं, अब बिल्डिंग बनाते हैं, अचानक उनकी बिल्डिंगें रुक जाती हैं या उनका धन फंस जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एक पान का पत्ता लें, हल्दी की गांठ और सुपारी, एक नारियल लेकर के होलिका जी में भगवान का, हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करके या गायत्री मंत्र की आराधना करके यदि होली में आप 11 परिक्रमा करके होली में भेंट कर देते हैं, तो आपका रुका हुआ कार्य प्रारंभ हो जाता है। और प्रारंभ होने के बाद फिर आप देखिए कैसे आपकी किस्मत आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से जो छोटे छोटे उपचार हैं, छोटे छोटी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन में, कहते हैं ना कि कई बार बड़ी चीजें कामयाब नहीं हो पाती हैं, छोटी चीजें हमारे जीवन में हर तरह से कामयाब हो जाती हैं। और इस प्रकार से अब की बार होली पर जो आप विशेष कार्य करेंगे,
मैं दो राशि की भी चर्चा कर देता हूं जरूर, कि जरूर। कारण क्या है कि मेष राशि और मेष राशि अर्थात अभी बहन जी कह रही थी नंबर वन, कहते हैं कि नक्षत्रों की अगर बात करें या राशियों की बात करें या अब नवग्रहों की बात करें तो राजा सूर्य कहे जाते हैं और सूर्य का जो प्रकाश है संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है, संपूर्ण जगत पर पड़ता है। अब जैसे ही प्रकाश आता है तो आप मान लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे में होली के दिन हम क्या करें या होली के दिन कैसे रंग से गुलाल हम खेलें कि हमारे जीवन में धन का लाभ हो, वंश का लाभ हो, मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, हम जिससे मीटिंग करने जाएं वो हमारी बात को मान ले, या हम जिस रिश्तेदार के पास जाएं और रिश्तेदार मेरी बात को मान ले, क्या करें, या दोस्तों में मेरा मान सम्मान आगे रहना चाहिए। तो ऐसे में जो मेष राशि के जातक हैं ये पलाश के फूल से यदि गुलाल लाल कलर का पलाश के फूल का लाल कलर का यदि आप गुलाल लेते हैं और गुलाल से यदि आप खेलते हैं तो आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति और रिश्तेदारों में आपकी हर जगह समाज में वाह वाही होना प्रारंभ हो जाएगा। और विशेष करके अगर नेता लोग इस कार्य को करते हैं ना तो समझ लेना कि जनता जनार्दन को जैसे चाहेंगे वैसे ही आनंद की अनुभूति करेंगे। और दूसरी बात आती है वृषभ, और वृष राशि के स्वामी कौन है, शुक्र। लग्जरी अगर जीवन जीना है अर्थात कुंडली का सप्तम भाव अर्थात पति और पत्नी अगर घर को चलाना है तो गृहिणी जो है अगर वो खुश रहेगी तो आपका घर बहुत ही सुंदर संचालित होगा। और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि पत्नी आप समाज में बहुत नाम कमाते हैं परंतु गृहिणी स्वयं परेशान रहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए क्या करना चाहिए, ये सफेद रंग या गुलाबी रंग का गुलाल लेते हैं तो इनका जो दाम्पत्य जीवन है, पति और पत्नी का जो जीवन है वह बेहद खास रहेगा और ऐसे में उनके घर में सुख की अनुभूति होगी। तीसरी स्थिति आती है मिथुन राशि, और मिथुन के स्वामी है बुध, और बुध की स्थिति यह बनती है कि यथा विधि कल्याण कर देते हैं और मिथुन राशि के जो जातक हैं इनको क्या चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। कई बार इनका मन डगमगाया रहता है, मन चिंतित रहता है, तो ऐसे में यदि हरे रंग का गुलाल से ये होली खेलते हैं, समाज में खेलते हैं, परिवार में खेलते हैं तो इनके जीवन हर समय खुशहाल रहेगा और अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होगी जी। दूसरी बात आती है कर्क राशि, अब कर्क के स्वामी कौन है, चंद्रमा, और चंद्रमा कौन है, मन की गति, चंद्रमा कौन है, आपकी माता जी। अब मेरी मां अगर खुश है तो आपका पुत्र जो है वह सदैव आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे में स्थिति जो बनती है कर्क राशि के जातकों के लिए अगर ये मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो सफेद रंग का गुलाल से यदि आप होली खेलते हैं तो ये मान लीजिए कि आप हर तरह से प्रसन्न चित्त आनंदित हो जाएंगे और आपके अगर कहीं धन रुका हुआ है तो भी धन आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सिंह राशि, सिंह के स्वामी है सूर्य, सूर्य अर्थात पिताजी, अगर पिता की कृपा हो जाए तो बच्चा तो हर जगह आनंद की अनुभूति करता है, आनंद का गरिमामय रहता है और हर आदमी मुकुट की पूजा करना चाहता है अर्थात सूर्य की उपासना करना चाहता है। तो ऐसे में यदि नारंगी रंग का गुलाल आप लेते हैं, नारंगी रंग से यदि आप होली खेलते हैं तो आप ये मान लेना कि आपको जो जीवन है मान सम्मान और राजनीति में आपका बेहद खास योगदान रहेगा, चाहे आप समाज की राजनीति बन जाएं, चाहे परिवार के मुखिया हो या कैसे भी स्थिति में हो, आपको हर चारों दिशाओं से आपकी कीर्ति में जय जयकार होता रहेगा। और इसी प्रकार से हम बात करेंगे कन्या राशि की, कन्या राशि के जो स्थिति यहां भी बताया कि इनके स्वामी कौन है बुध जी, और बुध आप जानते हैं ना गणेश जी बुध के प्रदत्त दाता, कहते हैं यदि आपका विवेक पूर्ण कार्य करते हैं तो हर जगह आप जीतते चले जाते हैं। और ऐसे में कन्या राशि के जो जातक हैं ये कैसे करें, अब इनको क्या चाहिए, मान सम्मान शुभता का योग हरे रंग से यदि कन्या राशि के जातक होली खेलते हैं सबसे पहले गणेश जी से होली खेलना प्रारंभ करते हैं और भगवान से प्रारंभ करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तुला राशि, तुला राशि के स्वामी है शुक्र, अर्थात कई लोगों को आपने जीवन में देखा होगा कि उनके साथ मात्र शक्ति या बहनों की शक्ति उन ना चाहते हुए भी उनके चारों दिशाओं में रहती हैं और कहते हैं जिसके साथ शक्ति बैठी हो
तो उसका ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसका तो चारों दिशाओं से जय जयकार होता है। जैसे तुला राशि के जो जातक जिनके स्वामी है शुक्र, लग्जरी जीवन, बहन बेटियों से स्नेह वंदन मिलता है और चारों दिशाओं में उनको मान सम्मान मिलता है, ऐसे में सफेद या गुलाबी रंग के गुलाल से आप खेलना प्रारंभ कर दिए। घर में जब भी आप तुला राशि के जातक होली खेलने के लिए जाएं तो पहले अपनी पत्नी से प्रारंभ करें। अब प्रारंभ करने के बाद देखिए कैसे आपको जीवन में हर तरह से उल्लास और उमंगता का और धन धन की वृद्धि होती है और ऐसे वृद्धि में आपको चारों दिशाओं में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलता रहेगा और आपका हर तरह से आनंद की होगी। अब आते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक के स्वामी है मंगल, और मंगल कौन है भाई? मंगल ताकत, मंगल है सेनापति, मंगल है आपको मार्गदर्शक। अब वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए क्या है कि लाल रंग या नारंगी रंग से यदि आप होली खेलना प्रारंभ करते हैं तो आपको बेहद खास आनंद की प्राप्ति होगी। और धनु राशि के स्वामी है गुरु, और कहते हैं गुरु मेरा जो मार्गदर्शक, जो मेरे जीवन के, क्योंकि गुरु तो हर मोड़ पे आपको मिलेंगे और जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए वो आपके सबसे बड़े गुरु कहलाते हैं। और पीले रंग से यदि आप खेलते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं और आपके व्यापार में चार चांद लगा देते हैं और चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होने लगती है। और मकर राशि, मकर है स्वामी कौन? शनि। और शनि कौन है? आपके वर्कर है। शनि कौन है? वर्कर, परिश्रम करने वाले, जिनके शरीर से पसीना निकलता हो, जो अथक मेहनत करते हो। और आप जानते हैं कि मेहनत करने वालों को यदि आप मीठा खिलाते रहिए तो आपकी फैक्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप मेहनत करने वालों को आप प्रसन्न मुद्रा में रखते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए यदि लाल या नीला रंग से आप गुलाल से होली खेलते हैं तो आपको हर तरह से लाभ का संकेत बन रहा है। और कुंभ राशि, कुंभ के स्वामी भी शनि है, यहां नीला या काला रंग के गुलाल से अगर आप खेलते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। अंतिम राशि है मीन राशि, मीन के स्वामी है बृहस्पति और बृहस्पति का रंग है पीला, और पीले रंग से आपके अध्यापक आपके गुरु हैं, आपके पुरोहित जी आपके गुरु हैं, आपकी माता जी आपके गुरु हैं, आपके पिताजी आपके गुरु हैं, आपको जहां से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है यदि उनका सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं और भगवान विष्णु से यदि आप होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से जय जयकार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति और वाहन आदि का सुख का एक प्रबल योग बनता है। इस प्रकार के 12 राशि के जो जातक हैं, इस प्रकार से यदि आप कल गुलाल खेलते हैं और होली के दिन, फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत चमकती रहती है। बिल्कुल, तो किस्मत कैसे चमकेगी इसे लेकर ही एक खास पेशकश लेकर आए हैं, बता रहे हैं इस महासंयोग पर ऐसे कौन कौन से योग बन रहे हैं जो आपकी जिंदगी को खुशियों के रंग से सराबोर कर देंगे। और जब हम रंग की बात करते हैं तो रंगों का मीनिंग, रंगों का अर्थ हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए कलर्स का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो जानते हैं रंजना जी से। हर रंग का एक अपना मीनिंग होता है। हम देखते हैं हर रंग जो है वो हमारी इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है और हमारी इमोशंस जो है हमारे चक्रास के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो सबसे अच्छा रंग जो कि एकदम स्पिरिचुअलिटी का रंग माना जाता है वो है सफेद रंग, जो एकदम पवित्रता का प्रतीक है। तो सफेद रंग में हम क्या कर सकते हैं, हम पाउडर से खेल सकते हैं, चंदन से खेल सकते हैं। तो इससे खेलने से बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलता है। चंदन जो है वो शीतलता हमको प्रदान करता है। तो चंदन का तिलक लगाना होली के दिन एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। फिर दूसरा रंग जो है जो कि हम लोग थर्ड आई का रंग देखते हैं, जो कि तीसरे नेत्र का रंग जो होता है वो है वायलेट कलर। तो इस दिन इस रंग से भी अगर हम वायलेट रंग से होली खेलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वायलेट रंग जो है वो हमें हमारी नॉलेज के बारे में बताता है, नॉलेज से कनेक्टेड होता है, हमारी इंटेलेक्ट के साथ वो कनेक्टेड होता है। फिर आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो होता है वो नीले रंग का होता है। तो नीले रंग से होली खेलने से हमको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। अगर हमारे मन में किसी भी तरह की बात हो या मन में किसी भी तरह की कटुता हो या कोई भी बात हम किसी को बहुत दिन से कहना चाह रहे हो तो आज के दिन प्रेम पूर्वक आप एक दूसरे को कह सकते हैं। और आज का दिन अगर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके उनको तिलक लगाकर हम जो कहना किसी को चाहते हैं वो भी कह सकते हैं और उनके साथ होली खेलें और पुरानी बातों को भूलकर हम आगे बढ़ सकते हैं।
फिर हमारा जो हृदय का रंग होता है, जो हार्ट चक्र होता है, उसका रंग होता है हरा रंग। हरा रंग जो होता है हीलिंग कलर होता है, और जब भी हम हरे रंग से होली खेलते हैं, इससे हम देखते हैं कि मन के अंदर जो भी कटुता रही हो, जो भी मन के अंदर कोई नेगेटिविटी हो या कोई भी हमारे अंदर नेगेटिव सोच हो, उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। और हरे रंग से जब हम होली खेलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा हमको हील करता है। जैसे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर भी, ऑपरेशन के रूम के अंदर हमेशा हरा रंग ही लगाया जाता है। फिर दे आता है हमारा जो चक्रा होता है, वो हमारा मणिपुरी चक्रा होता है, और मणिपुरी चक्रा का रंग होता है येलो कलर। येलो कलर जो होता है वो सेल्फ स्टीम का कलर होता है। जब हम ये येलो रंग से होली खेलते हैं, तो हमारे मन में अगर कॉन्फिडेंस कम हो, तो इससे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और हम ये भी देखते हैं कि मंदिरों के अंदर भी जितने भी हमारे भगवान हैं, वो पीले रंग की ही धोती पहनते हैं, और जब भी हम पूजा करते हैं, हम पीले रंग से पूजा करते हैं, पीले फूलों से पूजा करते हैं, और हल्दी लगाकर पूजा करते हैं। इससे हम देखते हैं हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास होता है, वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लग जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, और स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वो रंग होता है मॉरल करेज का जी। ये जो रंग होता है ये ऑरेंज कलर का रंग होता है, जो कि हमको बहुत ही ज्यादा मॉरल करेज देता है। और अंत में हर रंग होता है लाल रंग का, जो कि हमारा रूट चक्रा का, हमारी कुंडालिनी का रंग होता है, और इससे हमारे अंदर एकदम शक्ति का प्रभाव होता है। तो हम देखते हैं हर रंग का अपना अपना महत्व होता है, हर रंग का अपना अपना मीनिंग होता है। तो इसीलिए जितनी भी पुरानी बातें हैं, वो जो बातें हैं वो होली वो खत्म हो गई, और हमें आगे बढ़कर सब प्रकार से खुशियां अपनी जिंदगी में भरपूर लानी चाहिए। हर तरह के रंग हमको अपनी जिंदगी में जीने चाहिए, इसी से हमारी होली बहुत ही ज्यादा खुशमय होगी। बिल्कुल, इतना कुछ होता है जानने के लिए। हम रोजाना इस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और बाकी दूसरे कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं रंजना जी, गुरु जी, यकीन मानी ये आज की पीढ़ी के लिए ये कार्यक्रम बार बार होने चाहिए, ताकि वो सीखे ये चक्रा क्या होते हैं, कलर्स कैसे कनेक्ट होते हैं, ये जानना जरूरी है। ना कि सिर्फ आप निकले और रंग लेकर, गुलाल लेकर होली खेल के चले आए, वो भी जरूरी है, खुश रहना चाहिए। खुशियां ही जिंदगी का दूसरा नाम है। लेकिन ये जो चीजें हमारे गुरु हमारे साथ बताते हैं, इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ देर गुरुओं के साथ भी आप व्यतीत करें, बैठे। और गुरुओं का जो रोल है आचार्य जी, वो केवल स्कूल और कॉलेज तक ही नहीं है, वो ताउम्र है। अगर हम देखें तो गुरुओं का रोल हमारी जिंदगी में ताउम्र है। इन चीजों को जानने समझने के लिए बैठना चाहिए उनके साथ। जी देखिए, गुरु जो शब्द है, हाँ, गुरु किसी जाति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। गु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। हाँ, जो आपको ज्ञान, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति, भक्ति पहले आती है, फिर ज्ञान आता है, उसके बाद वैराग्य आता है। उसी प्रकार से जब आप गुरु, जहां से भी आपको कुछ सीखने की स्थिति बन जाए, सीखने को हमें मिल जाए जी, वो मेरा रूह हो गया, अर्थात गुरु हो गया। बिल्कुल। और जब हम गुरुमुख होते हैं, अंतिम में चतुर्थ अवस्था में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, जो आपको आत्मबोध कराता है, आपको मुक्ति का, अर्थात गुरु जी ने एक ईश्वर का मार्ग दिया, और उस ईश्वर के मार्ग से हमारा जो संस्कार है वह परिवर्तन हो जाता है। और हमारा जो संस्कार जब परिवर्तन हो जाता है, तो हम क्या होते हैं, सात्विक बन जाते हैं और ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। ईश्वर पर हमारी निष्ठा जागृत हो जाती है, गुरुदेव पे हमारी निष्ठा जागृत हो जाती है, और हम कोई भी कार्य करते हैं तो कहते हैं कि गुरु की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। तो हमें आज के वर्तमान समय को देखते हुए, हमारा देश अभी कुछ पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागता जा रहा है, जो हमारी संस्कृतियों को पुनर्जीवित करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। हमें अपने परिवार में अपने वंश की परंपरा को अपने बच्चों को बताना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि प्रातःकाल जब आप बड़े बुजुर्ग उठें, और यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पहले हमारे यहां सूर्योदय से पहले हमारी माताएं उठ जाती थी, और उठने के बाद उनको कभी गठिया बाई बीमारी नहीं होती थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती थी, उन्हें कभी कोई असाध्य बीमारी नहीं होती थी। जब सूर्योदय के बाद आप उठना प्रारंभ कर देंगे, तो ये मान लीजिए कि आप अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिए। और आपने बीमारियों का जिक्र किया गुरु जी, तो मुझे याद आया कि कुछ लोग शायद निरोग रहने के लिए, या क्या और वजह हो सकती है वो आप मुझे बेहतर बता पाएंगे, जब होलिका दहन किया जाता है तो वहां से अग्नि लेकर जाते हैं, थोड़ा ही सही, लेकिन वो अपने घर जरूर लेकर जाते हैं। देखिए, जब अग्नि के पास आप जाते हैं,
होलिका को एक श्रद्धा का केंद्र माना गया है, हाँ। एक सत्य का केंद्र माना गया है, एक भगवान के प्रति विश्वास का केंद्र माना गया है। तो जब आप होलिका दहन का समय आता है तो संपूर्ण परिवार के अनुसार सभी लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। परंतु शास्त्रोक्त अगर बात करूं मैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि लाल किताब में अष्टम भाव को शमशान घाट कहा गया है, निर्जन अवस्था कहा गया है। शमशान घाट से कोई भी अग्नि लेकर के नहीं आता। कल्पना करते हैं कि अगर मैं शमशान घाट से कोई चीज लेके आऊंगा तो वो नकारात्मक चीज हमारे घर में आ जाएगी और हमारे परिवार को परेशान कर देगी। तो शास्त्र में ये कहा गया है कि हमें होलिका दहन की अग्नि लाना नहीं चाहिए, परंतु लौकिक स्थिति और रीति रिवाज के अनुसार कई जगह पर हमने देखा है, आपने भी शायद देखा होगा कि जब होलिका दहन होता है तो लोग चिमटा से या किसी पात्र में होलिका का अग्नि अपने घर में ले जाते हैं। उनकी आस्था होती है कि हमारे घर से बीमारी चली जाएगी, हमारे घर में धन की बरकत होने लग जाएगी और हमारे घर में असाध्य रोगों का निराकरण होगा, असाध्य रोगों से हमें निजात मिलेगा। और कुछ लोग इस भभूति को, अगर कोई बीमार है तो उसको अपने मस्तक पर लगवाते हैं, कुछ लोग अपने गल्लक में रखते हैं, ऐसा निषेध है। ये शास्त्रोक्त बातें नहीं है, क्योंकि इस पर मैं कई बार मंथन कर रहा हूं और कई लोगों के प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी ये बताएं कि जो अग्नि लेकर के जाते हैं ये क्या सत्य है या असत्य है। तो मैं ये बताना चाहता हूं ये शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है। परंतु संसार में देश काल स्थिति हर 16 किलोमीटर पर जल परिवर्तन हो जाता है और क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ हमारी परंपरा भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्र से अलग हैं और वो शास्त्र के अगर आप खोजना चालू करेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। कुछ हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों की जो परंपरा चली आई हुई है उस परंपरा को निर्वाह करके लोग अग्नि को अपने घर में लाते हैं और लाने के बाद ऐसी उनकी आस्था होती है कि अगर हम यहां लाएंगे और लाने के बाद अगर रखते हैं तो हमारे घर में धन की बरकत होती है, जबकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है इसका। नहीं है बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, खासकर युवा पीढ़ी को पता होनी चाहिए कि केवल गुजिया खाना, पार्टी करना, रंग उड़ाना यही होली नहीं है। होली की अपनी एक विशेष महत्ता है और ये इस त्यौहार की जो पराकाष्ठा है वो सिर्फ सेलिब्रेट मत कीजिए, पूरी दुनिया तक वो संदेश पहुंचाइए जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जी, जी। कि जब होलिका जलती है तो आपने देखा होगा गेहूं की बाल लेकर जलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और गेहूं या चने की बाल लेकर के क्यों जाते हैं? हाँ। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जी, कि हमारी नई फसल का बसंत ऋतु में आगमन, क्योंकि वसंत फाल्गुन मास में आपने पेड़ों को देखा होगा कि पुराने पत्ते चले जाते हैं और नए कोमलताओं में वो सुशोभित होने लगते हैं। तो जब बाल को आप अग्नि में जलाते हैं और उसके बाद जो आपका प्रेम है, सौहार्द है, आप दो दाना किसी को देके गले से गले लगते हैं। तो अभी बहन जी ने बताया कि हमें होली अर्थात जो कल तक था वो खत्म हो गया, आज से आपको नया जीवन, नया प्यार, नया प्रेम, नया संबंध स्थापित करना है। उस बाल के द्वारा हम एक दूसरे को देख करके अपनी दोस्ती को बढ़ाते हैं, अपने प्रेम को बढ़ाते हैं और नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई आज तक जो था वो खत्म हो गया, आज से हम दोनों व्यक्ति और हम दोनों परिवार अंतःकरण एक हो गए। इसलिए इसका नाम होली, इसको कहते हैं हृदंग वाली होली और प्रेम की होली। और यहां पर बड़े श्रद्धा भाव से हम जब एक दूसरे को गले मिलते हैं तो हमारे सारे गले सिकुए दूर हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। चार अंक बचे हुए हैं हमारे पास, चार अंक बचे, छह अंक वाले के लिए क्या कहेंगे आप? छह अंक वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है और हम ये भी देखते हैं कि ये अपना काफी समय अपने घर परिवार के साथ भी करेंगे, मगर थोड़ा सा इनके माता पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आज का दिन इनको अपने माता पिता की पूरी सेवा भी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि अपने घर परिवार में जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, उनके साथ भी अच्छे से समय इनका व्यतीत इनको करना चाहिए। और घर में खुशहाली लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा कैम्फर जो है उसको आप जलाइए और उसको अपने घर में सब तरफ से उसको घुमाने से हम देखेंगे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी निकल जाएगी। और छह अंक वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आज का दिन अगर ये हरे कपड़े के अंदर हरी मूंग की दाल बांधकर अपने तिजोरी में रखेंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। लगे सात अंक के लिए भी देख लेते हैं। सात अंक वालों के लिए भी हम देखते हैं थोड़ा सा इनका स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। इनके जो हम देखते हैं
पेट संबंधित प्रॉब्लम्स इनको जरूर आ रही हैं, तो हम इनको यही सजेशन देना चाहते हैं कि जितना भी हो इनको गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और जितना भी हो इनको हल्का खाने का सेवन करना चाहिए। और आज का दिन होली के दिन सबके साथ खुशहाली से इनको होली मनानी चाहिए और इनको गुलाबी रंग से ही होली मनानी चाहिए। और जब ये खेलने जाएं तो इनको मोव या गुलाबी रंग पहनकर अगर जाएंगे तो इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए याद रखिएगा, हम 8 अंक वाले के लिए देख रहे हैं कि आज का दिन कैसा है। 8 अंक वालों के लिए हम देखते हैं कि आज इनके व्यापार में इनको बहुत ज्यादा वृद्धि मिलने वाली है। कोई भी नई प्लानिंग अगर ये करना चाहे उससे भी इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और जितना भी हो सके आज गरीबों में ये अगर खाना या किसी भी तरह का खाने का वस्तु पदार्थ ये अगर बांटेंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और व्यापार में इनकी बहुत ही ज्यादा वृद्धि होने वाली है। और इसके साथ साथ हम इनको ये भी बताना चाहते हैं कि काले कपड़े में काला तिल बांधकर इनको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए ताकि इनको धन संबंधित कोई भी बाधा इनकी जिंदगी में ना आए। ठीक है, 9 अंक वाले ध्यान से सुने। 9 अंक वालों के लिए भी हम देखते हैं, कुछ दिनों से इनके हर तरफ से इनके प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं, इनके कार्य में वृद्धि नहीं हो रही है, मगर आज का दिन बहुत बेहतर है इनके लिए। कोई भी काम अगर ये करना चाहें, कोई भी काम इनका जो जिसमें बाधाएं आ रही हैं इनको जरूर करना चाहिए और आज का दिन इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा। इसके साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों का भी इनको आशीर्वाद लेना चाहिए और होली जब खेलनी शुरू करें सबसे पहले भगवान के चरणों पे ये इनको होली गुलाल लगाना चाहिए और उसके बाद बड़े बुजुर्गों का और उसके बाद ही अपने मित्रों के साथ और अपने घर परिवार के साथ होली इनको खेलनी चाहिए। चलिए बहुत बेहतर रहा आप दोनों का मार्गदर्शन। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को इस होली पर यह महासहयोग क्यों बना, कैसे बना और आप कैसे बुना सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं।